जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी युवा इकाई के राज्य संयोजक सनीकांत शिव ने आरिसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की सरकार बनती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और खासकर युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गए। मानिक जी और हमारे जोनी जी अपने मीरा साहब के हमारे अपनी पार्टी के नौजवान युवा, आज हम लोग जो है इस प्रेस वार्ता में आपके सामने एक चीज एक आगे जाहिर करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि 2 साल के अंदर एक उभर के पूरी जम्मू कश्मीर में बाहर आई है, जिसके चलते उसका मैनिफेस्टो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपनी पूरी आरसपुरा की आवाम को जहां बॉर्डर एरिया के लोगों को वो बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो, सबसे पहले हमारे बेरोजगार युवा नौजवानों के साथ जो अत्याचार काफी सालों से हो रहा है, उसके चलते हमारे जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफी देर से ट्वीट करके और काफी देर से जो है मैसेज करके यूथ के लिए काफी आवाज उठाई है, यूथ के लिए काफी जो है आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसको निकालने की कोशिश की है और जो रिक्रूटमेंट अनफिल है उनको फिल करने के लिए जो है वो हमेशा आवाज उठाई है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बॉर्डर एरिया के लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे यहाँ के जो माताएं बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन के लिए, या हैंडीकैप पेंशन के लिए वो भी बढ़ाने की बात की है, और हमारी बिजली की जो प्रॉब्लम और समस्या है उस चीज को लेके अल्ताफ बुखारी साहब ने यह ऐलान किया है कि 300 से 400 यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर को फ्री मुहैया करवाई जाएगी, जबकि हमारी सरकार जिस दिन भी यहाँ पे फुल फ्लैश सरकार बनाएंगे उसके बाद ही तुरंत जो 2 महीने के अंदर अंदर जो है हम आपको 300 से 400 यूनिट जो है वो बिजली फ्री करेंगे। और हमारे डेली वेजर्स जो डेली वेजर्स हैं हमारे, चाहे पीएचई के हों, पीडीडी के हों, हमारे पीडब्ल्यूडी के हों और भी एसपीयू जैसे हों, उनको हम जो है सरकार बनते ही हम